हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कंप्रिजन बाय अंकुश। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके और हमारे सभी के फेवरेट स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन के सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, साथ ही साथ जानेंगे कितना बजट रहा किस मूवी का एंड कितना कलेक्शन किया और वर्डिक्ट क्या रहा, हिट या फ्लॉप। तो सभी चीज़ इसी वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो पे लास्ट तक रहिए, उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बात करें अल्लू अर्जुन का कैरियर का, तो उनका कैरियर का शुरुआत विजेता मूवी से हुआ था, जो कि वही उनका पहला मूवी था और ये मूवी 1985 में आया था। और इसके बाद दो नंबर पर मूवी आता है स्वाति मुत्यम, ये मूवी एक साल बाद यानी कि 1986 में आया था। अब बात करते हैं तीन नंबर पर, तो बहुत समय के बाद मूवी आता है अल्लू अर्जुन का, मूवी का नाम रहता है डैडी और ये मूवी 2001 में आता है। तो ये तीन मूवी किए थे अल्लू अर्जुन, जिसमें से कौन सा मूवी आपका फेवरेट है कमेंट में जरूर बताइए। और ये तीनों मूवी में चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किए हैं अल्लू अर्जुन। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। एंड अब मैं जितना ही मूवी बताऊंगा सभी मूवी में अल्लू अर्जुन एज अ लीड एक्टर काम किए, मतलब कि हीरो है सभी मूवी में। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा मूवी अल्लू अर्जुन किए हैं। अभी तक 20 मूवी अल्लू अर्जुन कर चुके हैं, ये चाइल्ड आर्टिस्ट वाला तीन मूवी छोड़ के। तो वीडियो को लाइक कीजिए अभी तक नहीं किए तो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करें नंबर वन, तो मूवी आता है गंगोत्री। इसी मूवी से अपना डेब्यू किए थे एज अ लीड एक्टर। तो बात करें इस मूवी का ईयर का, तो 2003 है। एंड बजट की बात करें तो 3 करोड़, और कलेक्शन करता है ये मूवी 11 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर पहला मूवी हिट रहता है। तो गंगोत्री मूवी काफ़ी अच्छा है, इसका स्टोरी काफ़ी अच्छा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। बात करें दो नंबर पर, तो मूवी आता है आर्या और ये मूवी आता है 2004 में। बजट रहता है मूवी का 4 करोड़ एंड कलेक्शन करता है 30 करोड़, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है यार। एंड ब्लॉकबस्टर जाता है मूवी, तो दूसरा मूवी ब्लॉकबस्टर देते हैं अल्लू अर्जुन। अब बात करेंगे तीन नंबर पर, तो मूवी आता है, मूवी का नाम रहता है बनी और ये मूवी आता है 2005 में। बजट रहता है मूवी का 15 करोड़ एंड कमाई करता है ये मूवी 46 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी सुपर हिट रहता है। तो बात करें चार नंबर पर, तो मूवी आता है हैप्पी और ये मूवी आता है 2006 में। बजट रहता है मूवी का 16 करोड़ एंड कलेक्शन करता है ये मूवी 21 करोड़ का। एंड बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी एवरेज का टैग लेता है। वैसे अल्लू अर्जुन का मैं सभी फिल्में देखा हूँ, सारा फिल्म ही अच्छा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। बात करें पाँच नंबर पर, तो मूवी आता है देशामुरुदू और ये मूवी 2007 में आया था। बजट था 10 करोड़ एंड कलेक्शन किया था ये मूवी 29 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी ब्लॉकबस्टर जाता है। ये मूवी काफ़ी अच्छा है, इस मूवी को कौन कौन देखा है कमेंट में बताइए, और जो नहीं देखे वो जाके एक बार जरूर देखिए। बात करें छः नंबर पर, तो मूवी आता है परुगु और ये मूवी 2008 में आया था। बजट था इस मूवी का 10 करोड़ एंड कलेक्शन किया था 30 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर मूवी हिट का टैग लेता है। इसी मूवी का रीमेक बनता है बॉलीवुड में हीरोपंती, जो कि टाइगर श्रॉफ का मूवी था। बात करते हैं अब 7 नंबर पर, तो मूवी आता आर्या 2 और ये मूवी 2009 में आया था। बजट था मूवी का 15 करोड़ एंड कलेक्शन किया था ये मूवी 32 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर मूवी हिट का टैग लिया था। इसी मूवी से अल्लू अर्जुन को और ज़्यादा पहचान मिल गया था। बात करें 8 नंबर पर, तो मूवी आता है बरूदू और ये मूवी 2010 में आया था। बजट था 30 करोड़ एंड कमाई किया ये मूवी 19 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रहा, मतलब कि महा फ्लॉप मूवी रहता है ये। और ये पहला मूवी रहता है अल्लू अर्जुन का फ्लॉप, और इसके बाद एक भी मूवी फ्लॉप नहीं देता। इसके बाद 9 नंबर पर मूवी आता है, नाम रहता है बेदम और ये मूवी 2010 में आता है। बजट रहता है मूवी का 17 करोड़ एंड कमाई करता है 26 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी एवरेज का टैग लेता है। तो अब बात करें 10 नंबर पर, तो अल्लू अर्जुन का मूवी आता है बद्रीनाथ और ये मूवी 2011 में आता है। बजट रहता है 20 करोड़ एंड कमाई करता है ये मूवी 40 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी हिट का टैग लेता है। तो बात करते हैं 11 नंबर पर, तो मूवी आता है जुलाई और ये मूवी आता है 2012 में। मूवी का बजट की बात किया जाए तो 46 करोड़ रहता है एंड कमाई करता है ये मूवी 90 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी सुपर हिट का टैग लेता है। अब बात करते हैं 12 नंबर पर, तो मूवी आता है इदार माइलेथो और ये मूवी 2013 में आता है। बजट रहता है इस मूवी का 40 करोड़ एंड कलेक्शन करता है ये मूवी 50 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी एवरेज का टैग लेता है। तो 12 मूवी अभी तक किए थे अल्लू अर्जुन और करियर इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था। तो अब देखते हैं 13 नंबर पर कैसा मूवी आता है और कैसा करियर रहता है। तो 13 नंबर पर मूवी आता है रेसगुरम और ये मूवी 2014 में आता है। बजट रहता है 50 करोड़ और कमाई करता है 130 करोड़, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एंड बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी ब्लॉकबस्टर का टैग लेता है। अब बात करते हैं 14 नंबर पर, मूवी आता है रुद्रामा देवी। ये मूवी 2015 में आया था। बजट था 60 करोड़ एंड कलेक्शन किया था 76 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी एवरेज का टैग लिया था। अब बात करते हैं 15 नंबर पर, मूवी आता है सन ऑफ सत्यामूर्ति और ये मूवी 2015 में आया था। बजट था 45 करोड़ कलेक्शन किया था 83 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी हिट का टैग लिया था। 16 नंबर पर मूवी आता है, नाम रहता है सरायनोडू और ये मूवी 2016 में आया था। बजट था मूवी का 50 करोड़ एंड कमाई करता है 128 करोड़ एंड बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रहता है। इस मूवी को यूट्यूब पर जब चढ़ाया गया था उस समय सब रिकॉर्ड तोड़ दिया था ये मूवी, 250 मिलियन व्यूज लिया था एंड कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये मूवी डिलीट हो गया था। उसके बाद गोल्ड माइंस इसको दोबारा से अपलोड किया और 250 मिलियन व्यूज है इस पर, अभी उससे ज़्यादा हो चुका, आप लोग जाके देख सकते हैं।
बात करें 17 नंबर पर मूवी आता है डीजे। ये मूवी 2017 में आया था, बजट था 50 करोड़ एंड कलेक्शन किया था ये मूवी 115 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट का टैग लिया था। तो अब बात करते हैं 18 नंबर पर, तो मूवी आता है ना पेरू सूर्या और ये मूवी आया था 2018 में, बजट था मूवी का 38 करोड़ एंड कलेक्शन किया था ये मूवी 92 करोड़ का एंड बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी हिट का टैग लिया था। 19 नंबर पर मूवी आया था अल्लाह बैकुंठा और ये मूवी 2020 में आया था, बजट था मूवी का 100 करोड़ और कमाई करता है 262 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर मूवी ब्लॉकबस्टर जाता है, 2020 का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला यही मूवी था। बात करें 20 नंबर पर, तो मूवी आता है पुष्पा एंड ये मूवी 2021 में आया था, बजट था मूवी का 180 करोड़ और कमाई करता है 365 करोड़, लॉकडाउन होते हुए भी इतना ज़्यादा कमाई करता है एंड बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का टैग लेता है। इस मूवी से अल्लू अर्जुन को कुछ अलग ही पहचान मिला है एंड 2021 का लॉकडाउन के बाद सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला मूवी था पुष्पा। तो अल्लू अर्जुन अभी ब्लॉकबस्टर पर ब्लॉकबस्टर दिए जा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइए क्या रहा है आप लोग का इस पर। अब बात करते हैं समरी का कि अल्लू अर्जुन का कैसा समरी रहा है अभी तक। तो फ्लॉप मूवीज़ का अगर बात किया जाए तो अल्लू अर्जुन मात्र एक दिए हैं एंड वहीं पर बात करते हैं एवरेज मूवीज़ का तो अल्लू अर्जुन का 4 मूवी रहा एवरेज। तो अब बात करते हैं हम लोग हिट मूवीज़ का तो अल्लू अर्जुन का 6 मूवीज हिट रहा। अब बात करेंगे सुपर हिट मूवीज़ का तो अल्लू अर्जुन का सुपर हिट मूवीज 3 रहा एंड बात करते हैं अब लास्ट ब्लॉकबस्टर मूवीज़ का तो अल्लू अर्जुन का 6 मूवी ब्लॉकबस्टर रहा, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है यार किसी के लिए भी, तो अल्लू अर्जुन को मानना पड़ेगा यार। अपकमिंग मूवी जब बात करते हैं अल्लू अर्जुन का टोटल 3 मूवी का डेट फिक्स हो चुका है, जिसमें से पहला का नाम है AR-21 जो कि 2023 में आएगा। बात करें दूसरा नंबर तो मूवी आने वाला आइकॉन और ये मूवी भी 2023 में आएगा। बात करें 3 नंबर पर तो सबका फेवरेट पुष्पा पार्ट 2 आने वाला है, ये मूवी भी 2023 में आएगा। तो 3 मूवी आने वाला है, तीनों में से कौन हिट जाएगा कौन जाएगा फ्लॉप आप लोग कमेंट बताइए और कौन कितना कमाएगा ये भी कमेंट बताइए। तो अब बात करते हैं अल्लू अर्जुन का सक्सेस रेशियो तो 95% है, जो कि बहुत ज़्यादा है यार, ऐसे नहीं अल्लू अर्जुन सबके दिलों पर राज करता है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताना अल्लू अर्जुन का फेवरेट मूवी का नाम, कि कौन सा मूवी आप लोग को अच्छा लगता है फेवरेट है। मेरे को तो अल्लू अर्जुन का सारा मूवी फेवरेट है, तो आप लोग का कौन सा है कमेंट बताइए एंड वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत तो आप लोग देख ही रहे हो यार कितना मैं करता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।